हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल 2019, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो कम से कम इस वीडियो को दो बार देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को फेसबुक पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डेली वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी जी के पास कौन कौन से विभाग हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मुद्दे, ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है वो सभी रहेंगे मोदी जी के पास, ठीक है। और देखिए, मोदी जी का जो सांसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सांसदीय टर्म दूसरी बार लोकसभा में, ये चीज़ें भी मोदी जी के बारे में याद रखेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है अब आपका, भारत के नए केंद्र गृह मंत्री कौन बने हैं, यानी कि होम मिनिस्टर नए कौन बने हैं। पहले थे राजनाथ सिंह जी, अभी बन गए हैं अमित शाह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अमित शाह जी का जो सांसदीय क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पुराने विदेश मंत्री कौन है, कौन थे मतलब, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इनका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनका अनुभव क्या है दोस्तों, अगर आपसे अनुभव भी पूछा जा सकता है, ये 3 साल विदेश सचिव रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा राजनाथ सिंह जी, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने। तो ये बने हैं डीवी सदानंद गौड़ा, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह जी का जो सांसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो ये है डीवी सदानंद गौड़ा, ये कहाँ से आते हैं, इनका है आपका जो सांसदीय क्षेत्र कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु नॉर्थ इनका सांसदीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा रविशंकर प्रसाद जी को, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां से आते हैं, इनका राज्य जो है वो बिहार है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 4 बार राज्यसभा रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा में है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है, ये आपको जरूर याद आ जाएगा और याद भी रहेगा। तो इनका सही आंसर रहेगा स्मृति ईरानी को, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और देखिए, ये अमेठी से जीती हैं, अभी इनका सांसदीय क्षेत्र कौन सा है, अमेठी, उत्तर प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी 2 बार राज्यसभा रह चुकी हैं और पहली बार लोकसभा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके पास कपड़ा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे यंगेस्ट मंत्री हैं अभी, यानी कि सबसे जो युवा मंत्रालय, जो युवा मंत्री है वो ये हैं, इन्हें 43 ईयर के हैं, ठीक है, जो स्मृति ईरानी जी हैं ये 43 ईयर की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने। तो इसका सही आंसर रहेगा मुख्तार अब्बास नकवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा, एक बार अभी देखिए, फिर एक बार देख लीजिएगा कल, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेलवे उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन बने हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रहेगा, क्योंकि पहले भी यही थे और अभी भी यही है, पीयूष गोयल जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रेलवे मंत्री थे ये, तो रेलवे उद्योग और वाणिज्य मंत्री बन गए हैं पीयूष गोयल जी। और इनका ये कौन से राज्य से आते हैं, ये आपका महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्यारे दोस्तों, एनटीपीसी
और ग्रुप डी के लिए और जेई के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेस्ट सीरीज के प्राइस 149 रुपीज़ है, बट आपको अगर ये डिस्काउंट कोड यूज करना है, इस डिस्काउंट कोड को यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में ही आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है। लिंक के सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये भी आपको याद रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है नितिन गडकरी, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? नागपुर महाराष्ट्र, और ये आपका दूसरी बार लोकसभा में चुने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नए वित्तीय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए वित्तीय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, जो कि अभी हमारे कौन थी, रक्षा मंत्री थी। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन जी सही आंसर हो जाएगा। और जो ये कौन से राज्य से आते हैं? कर्नाटक से, दो बार राज्यसभा सदस्य ये रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों थावर चंद गहलोत को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कौन से राज्य से आते हैं? मध्य प्रदेश से, और चार बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, खनन कोयला और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? खनन कोयला और संसदीय कार्य मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं प्रहलाद जोशी, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये आपका आते हैं कर्नाटक से, और चौथी बार लोकसभा में ये चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, मानव संसाधन विकास मंत्री किसे बनाया गया? मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है पोखरियाल निशांक को। तो सही आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये आते हैं हरिद्वार उत्तराखंड से, दूसरी बार लोकसभा में ये चुने गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, उपभोक्ता मामले खाद्य नगर आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा रामविलास पासवान जी को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं, और इस बार ये चुनाव नहीं लड़े, ये अब की बार चुनाव नहीं लड़े। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका इनको जो दिया गया है उपभोक्ता मामले खाद्य नगर आपूर्ति मंत्री, इनको बनाया गया है रामविलास पासवान जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जनजाति मामले के मंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं अर्जुन मुंडा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए, और ये आपका खुंटी झारखंड, इनका सांसदीय क्षेत्र है, झारखंड से आते हैं, और दूसरी बार लोकसभा में ये चुने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन सूचना और प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है आपका प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों महाराष्ट्र से आते हैं, और 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन बने? तो इसका सही आंसर रहेगा धर्मेंद्र प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये कौन से राज्य से आते हैं? मध्य प्रदेश से, 1 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे बनाया गया है? यानी कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जो मंत्री है, किसे बनाया गया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 3 बार दोस्तों लोकसभा में चुने जा चुके हैं, और इन ये कौन से राज्य से आते हैं? पंजाब से। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है?
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और ये आपका मध्य प्रदेश से आते हैं, एक बार राज्यसभा और 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये भी बिल्कुल आपको याद रहेगा पक्का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। और ये आए हैं चांदनी चौक दिल्ली से, यानी कि इनका लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका, चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री किसे बनाया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा अरविंद सावंत को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और ये मुंबई दक्षिण महाराष्ट्र से इनका सांसदीय क्षेत्र है और 2री बार लोकसभा में ये चुने गए हैं। नेक्स्ट है आपका जल शक्ति मंत्री किसे बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा गजेंद्र सिंह शिखावत को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। और इनका जो सांसदीय क्षेत्र है वो जोधपुर राजस्थान है, ठीक है, और ये 2री बार लोकसभा में नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा महेंद्र नाथ पांडे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका चंदौली उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये 2री बार लोकसभा में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों गिरिराज सिंह को। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आते हैं बेगूसराय बिहार से, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, बेगूसराय। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि इनके सामने बेगूसराय में कौन लड़े थे, ठीक है। तो बेगूसराय बिहार से आते हैं और ये 2री बार लोकसभा में सांसद मतलब नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मुश्किल से 12 मिनट की वीडियो बनी है, तो इस वीडियो को दोबारा से फिर देखिएगा, तिबारा से फिर देखिएगा, क्योंकि ये आपको सभी क्वेश्चंस रट जाने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, टेलीग्राम पे जाएंगे, टॉपिक स्टडी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टॉपिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो सौरभ मलिक और सौरभ मलिक 17 के सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।